नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण गैरेला। आप देख रहे हैं T21C। शुरू करते हैं आज के कंटेंट के साथ। दोस्तों, एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा आपको फिर से। अगर आपने मेरे चैनल T21C चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द जो है वो लाल बटन पर क्लिक करके, नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोज़ाना हॉट टॉपिक्स पे और लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूँ, जियो से रिलेटेड और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों से। शुरू करते हैं आज के कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जियो से रिलेटेड। जी हाँ, हेडलाइन आपने पढ़ ली होगी, 31 मार्च के बाद फिर जियो करेगा एक बड़ा धमाका। ग्राहकों की संख्या पहुँच चुकी है दोस्तों 7 करोड़ के पार, और बढ़ाई क्या और बढ़ाई जा सकती है फ्री सेवा। दोस्तों, उसके बारे में एक चीज़ आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ है कि टोटल जो यूज़र्स हो चुके हैं वो 7.24 करोड़ हो चुके हैं, उनका आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, मतलब 7.24 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं यूज़र्स जियो के। तो जियो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्च के अंत तक, जो फिनेंशियल ईयर एंड होता है, तब तक 10 करोड़ हो जाएगा यूज़र्स का काउंट। तो एक बड़े आदमी ने, जियो से रिलेटेड एक बड़ा आदमी है, उन्होंने संवाददाताओं को, अगर मैं उनका नाम बताऊँ तो आपको अंशुमन ठाकुर जी ने कहा है संवाददाताओं को कि हम हर दिन लाखों नए ग्राहक मिल रहे हैं, और 31 दिसंबर तक हमारे ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ तक हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि हो जाएगी। और ठाकुर जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या ये सेवा 31 मार्च के बाद फ्री वाली सेवा बढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया कि कंपनी अपनी सेवाओं को कब से सशुल्क करेगी, या अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी मुफ्त सेवा 31 मार्च से बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है दोस्तों कि 10 करोड़ का आंकड़ा अगर क्रॉस होता है तो कंपनी फिर से एक नया ऑफ़र, फिर से एक नए नाम से और एक चीज़ कर सकती है। और जैसे कि रिसेंटली और भी खबर आ रही थी, 720 करोड़ ऑलरेडी इनकर किए हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जियो के प्लान्स पे रिलेटेड, और जियो कंपनी में या तो जियो प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी सारी हरकतें हो रही हैं, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जियो को काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते मिलते जा रहे हैं, और 10 करोड़ का आंकड़ा पार होने का चांस है, 10 करोड़ का आंकड़ा टच होने के चांसेस है 31 मार्च के पहले या 31 मार्च तक। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ हो जाती है तो सबसे बड़ी बात होगी, और सबसे एक इम्पॉसिबल चीज़ जो अभी तक लग रही है वो पॉसिबल कर सकते हैं जियो वाले, जो है वो 31 मार्च के बाद भी आपको 2-3 महीने या 1 महीना और फ्री दे सकते हैं सर्विसेज। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी जियो की सर्विसेज और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक जियो का सिम कार्ड नहीं लिया है दोस्तों, उन्हें आप रिक्वेस्ट करें या तो उन्हें आप गाइड करें कि जियो का कार्ड लीजिए और जियो का कार्ड यूज़ करिए, तो ही अच्छा होगा, तो ही हमें भी शायद आगे और सर्विसेज फ्री में मिल सकती हैं जियो की तरफ से। दोस्तों, ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रवीण गैरेला, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिर से याद दिला रहा हूँ दोस्तों, T21C चैनल को सब्सक्राइब करें, जियो से और बाकी सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हॉट टॉपिक्स हैं आपके लिए कवर करूँगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।